कैसे हो मेरे सभी व्यूअर्स, मैं आकाश खापरा एक और नया व्लॉग आपके सामने लेके आ गया हूँ। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है दिल्ली के स्पेशल छोले भटूरे। और रोहिणी में जो है ये शॉप पड़ती है सेक्टर 8 में। मैं लोकेशन वगैरह आपको वीडियो में आगे बता ही दूंगा। जो आउटलेट का नाम है वो है आशु भटूरे वाला। और यहाँ के जो भटूरे वो होते हैं पनीर के छोले भटूरे। और साथ में ही अगर आप यहाँ पे आते हो तो इनकी लस्सी जो है ना भाई बहुत टेस्टी होती है, हद से ज़्यादा टेस्टी। तो सब कुछ जो है मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो भैया इन छोलों की अगर मैं स्पेशलिटी पूछूँ तो स्पेशलिटी क्या है, मतलब मसाले क्या होते हैं इसमें? मसाले भैया काफ़ी ज़्यादा मसाले होते हैं, 25-30 मसाले के करीब होता है। 25-30 मसाले? हाँ जी, हाँ जी। और साथ में क्या सर्व करता है प्लेट में? सर छोले इसके साथ आलू होता है, अचार मिर्ची होता है, प्याज चटनी होता है। छोले बिल्कुल गाढ़े हैं, देख लो क्वालिटी बढ़िया है। और यहाँ पे मैं आपको ये देख सकती हूँ कि सबने प्रॉपरली मास्क लगा रखा है और हेड कैप भी लगा रखी है। बाहर बना रहे उन्होंने भी और जो अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने भी। तो यहाँ सेफ्टी को लेके ये जगह काफ़ी अच्छी है और हर चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। इस आउटलेट के मैनेजर से मिलवा देता हूँ। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम डब्लू है। तो कितना टाइम हो गया आपको इस आउटलेट को चालू किए हुए? चालू किए तो बहुत साल हो गया, लगभग 13-14 साल हो गया। अच्छा, लेकिन हमें यहाँ काम करते हुए 9 साल हो गया। अच्छा, आपको 9 साल हो गए। अच्छा, और जो छोले भटूरे वो पनीर के हैं? हाँ जी, पनीर वाले। और पर प्लेट कितना प्राइस होगा? 80 रुपये। अगर मैं छोले भटूरे की बात करूँ तो भटूरे में आप किस चीज़ की स्टफिंग करते हो? सर इसमें पनीर होता है और पनीर मसाला भी होता है, बना के उसके अनेक मसाला मिला करके उसको बनाते हैं। अच्छा। हरा धनिया भी बारीक सा काट के उसमें डालते हैं। अच्छा, 3-4 चीज़ें होती है मतलब? हाँ, पनीर मसाला में अनेक प्रकार के मसाले होते हैं उसमें। अच्छा। तो यहाँ पे भैया सबसे पहले स्टफिंग करके हमारे भटूरे रेडी करेंगे। और अब रेडी होने के बाद ये इनको फ्राई करके, आप ये ऑयल आप अपने सामने देख सकते हो। और यार मेरे को इनके डालने का स्टाइल बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया तरीके से डालते हैं इसमें। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो बिल्कुल आपके सामने ऑन रोड ये प्रिपेयर होते हैं। तो आप अपने तरीके से, आपको जैसे भी पसंद हो, क्रिस्पी या फिर नॉन क्रिस्पी, जैसे भी आपको पसंद हो वो आप इनको कह सकते हो। आपके हिसाब से आपके जो भटूरे हैं वो रेडी हो जाएंगे। बाकी आप देख सकते हो पूरे अच्छे से दोनों भटूरे फूल चुके हैं हमारे। और ये बस हमें प्लेट रेडी करके हमारे दे देंगे और ये हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है। तो आओ इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो भटूरों की टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको प्लेट की तरफ एक बार लेके आऊं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंदर जो है हमारी पूरी पनीर की स्टफिंग है, आप सारी ये देख सकते हो पनीर की। और जो भटूरे हैं वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, आप मेरे हाथ देख सकते हो। तो यहाँ के जो भटूरे हैं वो बिल्कुल भी इतने ऑयली नहीं है, मतलब अगर हर जगह से आप कंपेयर करके देखोगे। और अब मैं आपको एक बार छोले दिखाऊं तो भाई इनके छोले देख सकते हो, इतना प्यारा रंग है इन छोलों का और इतने ज़्यादा गाढ़े हैं, आप बिल्कुल देख सकते हो। और छोलों के अंदर जो है हमें ये आलू भी मिला है, आलू छोले, और साथ में जो है हमें यहाँ पर पिकल दिया गया है और हरी मिर्च। और इस साइड अगर मैं आऊँ आपको तो ग्रीन चटनी के साथ हमें प्याज मिली है। और अब मैं आपको एक बाइट ले कर दिखा देता हूँ क्योंकि भाई मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा और सुबह का नाश्ता मेरा यही है, ये समझ लो। इन छोलों का यार मैं आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा जेन्युइन टेस्ट है, बहुत अच्छे लगे मेरे को छोले। और ये छोले जो हैं बिल्कुल भी इतने स्पाइसी नहीं है कि मतलब ऐसे हो कि आपको बहुत ज़्यादा हिट करें या कुछ, बहुत टेस्टी छोले हैं, एकदम मीडियम स्पाइसेस में रखी गई हैं। तो यहाँ के जो छोले भटूरे हैं वो इतने हैवी नहीं है कि आपको ऑयली पूरे दिन आपका और कुछ खाने का मन ना करे। तो यही चीज़ जो है मेरे को इन छोले भटूरों की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ ही मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने इनसे लिया है एक मीठी लस्सी जो कि मैं हरदम लेता हूँ। और लस्सी आप देख सकते हो एकदम गाढ़ी लस्सी है बिल्कुल, और इसमें सिर्फ शुगर डाली गई है और इसमें और भी कुछ कोई मसाले और कुछ ऐड नहीं है। और इस लस्सी का टेस्ट मैं पर्सनली बताऊं बहुत टेस्टी है। अगर आप यहाँ पे आके छोले भटूरे ट्राई कर रहे हो तो भाई ये लस्सी लेना बिल्कुल भी मत भूलना, इतनी टेस्टी आ रही है।
इनकी शॉप के बारे में मैं आपको एक चीज और बता दूं, तो आप घर बैठे भी जो है यहाँ का खाना एंजॉय कर सकते हो, यहाँ के छोले भटूरे। ये छोले भटूरे के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये स्विगी जोमेटो दोनों चैनल्स पे अवेलेबल है, तो आप घर बैठे भी इन्हें ऑर्डर आराम से कर सकते हो। सर्विस बहुत अच्छे है, इन्होंने काफी वर्कर रख रखे हैं जो कि बहुत अच्छे से और एकदम साफ सफाई से बिल्कुल काम करते हैं, और बार बार जो है थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ का पूरा काउंटर वगैरह सब कुछ सैनिटाइज होता रहता है, तो प्रॉपर हेड कैप वगैरह लगाए रहते हैं, साथ में जो अंदर के वर्कर्स हैं वो प्रॉपरली ग्लव्स भी यूज करते हैं। तो ये जगह मस्ट ट्राई बनती है। मैं आपको बताऊँ तो ये रोहिणी के वन ऑफ द फेमस छोले भटूरे वाले हैं, और मेरे को पर्सनली काफी टाइम हो गया इनसे खाते हुए, बहुत जेन्युइन टेस्ट है इनका। इनके मैं आपको एक बात और बताऊँ तो यहाँ पे आप छोले और भी ले सकते हो, मतलब छोले जो अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि बाकी जगह क्या होता है कि छोलों का अलग से प्राइस रख देते हैं कि एक्स्ट्रा छोले लेने पर, भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी छोले आपको चाहिए होंगे वो आप आराम से। तो मैं आपको इस जगह की कुछ बातें बता दूँ, तो जो जगह है सुबह 8 बजे से शाम के 4-5 बजे तक खुली रहती है, और यहाँ जो ये सेल करते हैं मेनली इनकी स्पेशलिटी जो है वही पनीर वाले छोले भटूरे, और साथ में देते हैं मीठी लस्सी, वो आपको अलग से लेनी पड़ेगी, मतलब साथ में देने का मतलब आपको लेनी पड़ेगी तभी देंगे। और जो भटूरों की कॉस्टिंग है वो है 80 रुपीज़ पर प्लेट, हाफ प्लेट भी देते हैं, हाफ प्लेट का प्राइस अलग होगा। और मैं आपको लस्सी की कॉस्टिंग बताऊं तो लस्सी की जो कॉस्टिंग है वो है 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ में ये बड़ा ग्लास देते हैं लस्सी का, जो कि मीठी लस्सी रहने वाली है, और बिल्कुल इतनी जेन्युइन टेस्ट होता है उस लस्सी का कि आप भटूरों के साथ, भाई आपने लस्सी नहीं ली ना तो आपने ये समझ लो भटूरे खाए नहीं है, क्योंकि खाना तो भाई प्रॉपर पंजाबियों की तरह खाओ आराम से बैठ के। और इस जगह का जो एड्रेस होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, तो यहाँ पे आने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी जो लैंडमार्क है वो साथ में इसके बिल्कुल BMW जिम है, तो जिम के बिल्कुल साइड में है, तो आप आराम से यहाँ पे आके और खाने के आने। तो इस आउटलेट का मैं आपको एड्रेस समझा दूँ, तो इस चौक के कोने पे आप ये देख सकते हो कॉर्नर पे ये जिम है BMW नाम से, जो कि बहुत फेमस है सेक्टर 8 में, तो जस्ट उसके सामने ही जो है आशु भटूरे वाला पड़ता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी जरूर दबा देना। मेरे को पता आप में से 30% लोगों ने सिर्फ बेल आइकन दबा रखा है, मैंने कल ही जाके चेक किया, तो भाई जिन जिन्होंने नहीं दबा रखा वो जाके नीचे स्क्रीन पे बेल आइकन आ रहा होगा, भाई ऐसे दबाते हैं, जिनको दबाना नहीं आता उनके लिए मैंने डाल दिया है, तो जाके बेल आइकन दबा लेना, बाकी इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना ताकि आपको वीडियो के आगे के अपडेट्स मिलते रहें।